मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे प्रत्याशी कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। मैयर विधानसभा सीट से युवा नेता भगत सिंह भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सिंबल मिलने के बाद भगत सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता का प्रेम इसने और भरोसा उनके साथ है। चुनाव जीतने पर सबसे पहले वो माँ शारदा के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। मैयर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे युवा नेता भगत सिंह ने भी कांग्रेस और भाजपा दोनों की टेंशन बढ़ा रखी है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटाकर भगत सिंह अपनी ताकत दिखा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भगत सिंह ने कहा कि सरकार गरीबों के घर तोड़कर वहां अमीर उद्योगपतियों की इमारतें खड़ी कर रही है। वो चुनाव जीते तो सबसे पहले माँ शारदा के लिए काम करेंगे, जिनसे मैयर की पहचान होगी। विकास अगर जनता मुझे मौका, क्योंकि हर नेता अपने मुंह से कहता है, कोई जरूर नहीं है कि जो आदमी कहता वो करता नहीं है। और बोल चुका हूँ कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिल रहा है, जनता आशीर्वाद देगी मुझे, अगर भोपाल भेजेगी तो मैं जनता का काम करूंगा। जन मुझको पूर्ण विश्वास है, मैं पहले बोल चुका हूँ कि सब चीज निर्णायक जनता है, ना कोई पार्टी है। कहूंगा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी भगत सिंह, ये कोई वोटर नहीं है। वोटर अगर होता तो मैं बोल देता, मतलब आप मीडिया वाले हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप मीडिया वाले हैं, जो आप बोलते हैं सामने वाला जवाब देता है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये जो आदमी है, ये जितनी जनता है, ये वोटर एक भी नहीं है, ये पर्सनल हमारा घर प्रेम व्यवहार है, ये वोटर नहीं है। वहाँ की तो समस्याएं बहुत हैं, वहाँ तो मैं भी दुकान किया हूँ, मेरी चार बार सरकार दुकान तोड़वा दी। अन मालूम क्यों ऐसा कौन सा लिखा पड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग टाटा बिरला की जो कंपनी की बिल्डिंग बनती है, तो इसका मुझे पता नहीं किसकी कौन सी लिखा पड़ी करके देते हैं कि 60-60, 70-70, 100-100 कमरा बनाए हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि कौन सी लिखा पड़ी है कि इनको गरीब आदमी को हटा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती जा रही है। इसी तरह अगर धीरे धीरे होता रहेगा तो 10-20 साल में आखिर क्या होगा। देवी जी में ना तो कोई मैयर की जनता वहां दुकानदारी कर पाएगी, न कुछ बर करेगी। तो मैं वादा करता हूँ, माई शारदा से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है, चुनती है, तो सबसे पहले माता रानी का विकास होगा, जिससे पूरा मैयर चलता है। पूर्व सरपंच कोडू सिंह लोधी ने कहा कि अगर मेरे बेटे भगत सिंह को जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैयर में खूब विकास होगा। मेरा बेटा चुनाव जीते या हारे, मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। अब जनता का माहौल, जनता मैं दिल से चाहता हूँ, जनता मेरे को दिल से चाहती है। दो दो बार में उदयपुर का सरपंच हुआ, इस बार मेरा मंझला बेटा सरपंच हुआ, हमने पब्लिक का काम किया है, तो जनता से हमसे सहयोग मिला है। अगर मैं यही चाहता हूँ, अगर मेरे बेटे को सहयोग जनता का जो आज जना देश मिला, उसके लिए मैं आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूंगा। अगर मौका मिलता है, नहीं मौका मिलता है, तो जनता के साथ जो वादा करता हूँ, जनता 24 घंटे मेरे दरवाजा खुले हैं, मैं जनता का जीतूं हारूं जनता के साथ हूँ, जनता के हित का काम करूंगा। अगर चांस मिलता है तो बता दूंगा, चेहरा पलट देंगे हम कि मैयर का विकास किस प्रकार से करना चाहिए, जनता की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए। हमको मालूम है कि जनता की के लिए क्या जरूरत होती है, जनता को क्या चाहिए, जनता को कुछ सिर्फ चाहिए अपना विकास। अब विकास के लिए हम यहाँ से भोपाल तक लड़ते लड़ते खून बहा देंगे। मैया विधानसभा के लिए विकास, लंबा से लंबा विकास लाएंगे, मैया की जनता के लिए काम करेंगे, करता रहूंगा। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।